अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, खुशबाज हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। तो अभी जो है तकरीबन 3 बजने वाले हैं और मैंने अपना व्लॉग जो है वो अभी स्टार्ट किया है। पूरा दिन जो है वो मैं नहीं कर पाई थी। सुबह जो है 10 बजे उठी थी बेड से, दुआ को भी किंडरगार्टन नहीं छोड़ा था। मैं दुआ को छोड़ने जाती हूँ तो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। बाकी स्कूल में किंडरगार्टन में कागज बता दी, दुआ नहीं आ रही आज। मेरा अपना भी मूड नहीं था वरना मैं छोड़ जाती। तो अभी हरीम की जो है आउगन आर्ट्स मतलब आंखों का टेस्ट वगैरह करवाने हैं, आंखों के टेस्ट। तो वहाँ जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास। तो टाइम जो है वो 10 मिनट रह गए, जल्दी आ जाओ। पूरा दिन घर की सफाइयों में सेटिंग में गुजर गया, पूरा दिन मतलब 10 बजे के बाद से। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पे, क्योंकि फिर अफ्तारी का टाइम भी हो जाएगा, बच्चे ने रोज़ा भी रखा हुआ है। सो स्टे ट्यून। हम पहुँच रहे हैं फाइनली आई स्पेशलिस्ट के पास। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कितना रश है यहाँ पर। आ जाओ चलते हैं। हम आ गए अंदर और अंदर काफ़ी सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, मतलब ये बच्चों का एरिया है, हम यहाँ बैठे हैं। और हरिम जी अब अपनी बुक लेके बैठ गई है क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। वहाँ बैठे बैठे इतनी मुझे नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी, 15 मिनट वेट किया था, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं शायद घंटा सोई हूँ। इतनी सख्त नींद आ गई थी मुझे, मैं क्या बताऊँ। और अभी जो है उन्होंने ड्रॉप्स डाले हैं हरीम की आंखों में और बोला कि फिर 40 मिनट्स के बाद फिर से आओ, फिर जो है वो हरीम का चेकअप हो जाएगा आंखों का। तो अभी घर पास ही है तो मैं सोच रही हूँ घर चली जाती हूँ, एक दो काम हो जाएगा, चिकन मैरिनेट नहीं किया हुआ वो कर देती हूँ और कुछ और देख लूँगी, और फिर तब तक टाइम पूरा हो जाएगा। मैं घर पहुँची, घर जाके चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट किया, थोड़ा सा बैठी क्योंकि इतना चल के गई थी तो है रोज़ा रखा हुआ है, इतना तो बनता था, बैठी हूँ और फिर टाइम हो गया। और फिर मैं हरीम निकल आए, 7 मिनट हैं अभी और हम इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएंगे। इतनी ज़्यादा देर लगती है ना, जब हॉस्पिटल्स में आ जाओ फिर तो घर जाने का नाम ही नहीं ले सकते। तो फिर से इसकी आंखों में तरफन जो होते ना कतरे पर डाले थे ना, और फिर से हमें 15 मिनट वेट करना पड़ा। फिर काफ़ी देर बाद जाके उन्होंने हमें बुलाया था, बोला 15 मिनट का था लेकिन वेट ज़्यादा हो गया। तो अभी ये दे दिया उन्होंने, बोला कि नई ग्लासेस जो हैं वो लगाने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा जो है ना आँखों में मतलब थोड़ा सा नज़र में फ़र्क पड़ा। इसी नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद की ट्रमीन भी उन्होंने दे दी है और अभी इसकी नई ब्रिले नया चश्मा बनवाएंगे, गिर नहीं जाना। अच्छा अभी तकरीबन तो टाइम जो है वो 4:45 हो गए हैं और जाके सीधे किचन में ही खड़े होना है। और कल हम लोग शाम को निकले थे ना बाहर, तो पता नहीं ठंड लग गई है क्या हुआ, इतना जिस्म दर्द कर रहा है, टांगों में पेन हो रही है इतनी शदीद, तो चलने से भी खांसी हो रही हूँ। सुबह तो सहरी में मैंने एक टैबलेट ले ली थी जिस वजह से आधा दिन तो अच्छा गुजर गया, और अभी जो है फिर से पेन स्टार्ट हो गई है। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बड़ी मुश्किल से जो है मैंने पंग सीटते घसीटते सहरी तैयार अफ्तारी तैयार की थी। तो मैं जाके सो गई, बच्चों को बोला कि जो चीज़ जहाँ है उसको कवर करके रख दो, तो उन्होंने कवर करके रख दिया था। लेकिन अभी जल्दी उठ गई हूँ, उठ के जो है वो इसको टेबल को समेटूँगी, बैठने के काबिल बनाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम बोलो। गुड मॉर्निंग। दुआ का नाश्ता लेने के लिए आई हूँ और सुबह तो इतना बिजी टाइम होता है कि फिर मैं वीडियो बना नहीं पाई। अभी ये नहीं खाते ना, खाते हैं बच्चे खाते हैं? नहीं खाते ना, आप भी नहीं लो, सिर्फ पिंक वाला डोनट लेके देती हूँ क्योंकि नाश्ता नहीं करवाया आपको। चलो जी, चॉकलेट्स लेनी है और दुआ के लिए ले लिए नाश्ता, बच्चों के लिए भी मैंने डोनट्स ले लिए हैं पिंक वाले, ताकि जब रोज़ा खोलेंगे तो वो भी खा लेंगे, उनको भी बहुत पसंद है। तो अभी चलते हैं कासे पे, पैसे भी सालन करते हैं और फिर चलते हैं किंडरगार्टन। मेरा टीथ टूट गया है। टीथ टूट गया इसकी वजह से? ओके, अब आप नहीं खाना फिर ये वाला चॉकलेट, यहाँ वो स्टॉल आने वाला है। देखिए कितनी सारे चॉकलेट्स के ढेर ढेर उन्होंने रखे होते हैं और वो भी सस्ती करके। क्या होता है, चलो पैसे देते हैं फिर चलते हैं किंडरगार्टन। ओके ओके, यहाँ जी नहीं यूज करते। ओके बंद करो, टूट थे अब बोलो लाफेज, चलो जाओ जाओ, थैंक यू, बाय बाय, जाओ। दुआ चली गई है खुद से अंदर और मेरे लिए दरवाज़ा बंद कर दिया, इसके मामा आप जाओ।
तो मैं चलती हूँ घर, अपने काम काज करती हूँ। तो आज के दिन की जो रूटीन होगी, जो कुछ मैं आज करने वाली हूँ, जहाँ जहाँ जाऊँगी, वो सब जो है वो आप लोग देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा लंबा हो जाए, ज़्यादा लंबा होता तो फिर आप लोग सही से पूरा सा देखते नहीं, स्किप कर करके देखते हो, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। और जाते जाते लाइक कॉमेंट और ज़रूर करके जाया करो, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो बगैर सब्सक्राइब किए हुए देख रहे होते हो, प्लीज़ एक क्लिक है कर दो तो डन हो जाएगा। तो उसके अलावा लाइक किया करें, शेयर किया करें। ओके, तो फिर मिलती हूँ एक नए खूबसूरत दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अच्छे से रोज़े रखिएगा, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। सी यू सून।